छोटे पर्दे की बड़ी अभिनेत्री दिव्या भटनागर की सोमवार सुबह कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते मौत होने के बाद मनोरंजन जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। ये रिश्ता क्या कहलाता है, सीरियल की एक्ट्रेस के निधन पर उनके तमाम सहयोगियों ने शोक व्यक्त किया है। इसी बीच दिव्या के निधन के बाद उनके ही इंस्टाग्राम अकाउंट से एक संदेश जारी किया गया है, जिसमें दोस्त, परिवार और फैंस का शुक्रिया अदा किया गया है। दरअसल यह पोस्ट उनके भाई देव भटनागर की ओर से लिखी गई है। पोस्ट के अंत में उन्होंने इसकी जानकारी भी दी है। दिव्या के अकाउंट से जारी संदेश में देव भटनागर ने लिखा है, आओ चले फिर एक नई उड़ान पर, जहां संस्कार हो धरोहर सपनों की, जिसमें सवाल न हो कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। सवारने चले बनके सबकी प्रीतो, जीत गई तो पिया मोरे, वरना तेरा यार तो हूँ ही न मैं। यही नहीं, इसके आगे दिव्या के अकाउंट से जारी संदेश में लिखा गया, एक्टिंग पहला नहीं लेकिन आखिरी प्यार तो बना ही लिया। इस दर्द भरी घड़ी में आप सब दोस्त, परिवार, फैंस का बहुत शुक्रिया। बस इतना ही कहना चाहती थी आपकी दिव्या भटनागर। बता दें कि दिव्या भटनागर की सोमवार सुबह 3 बजे कोरोना संक्रमण के चलते मौत हो गई थी। पिछले महीने के आखिर में ही उन्हें कोरोना संक्रमण के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पारिवारिक सूत्रों के मुताबिक वह निमोनिया से भी पीड़ित थी। दिव्या ने परिवार के खिलाफ जाकर बीते साल अपने बॉयफ्रेंड गगन से शादी की थी। 15 दिन बाद ही उनकी मैरिज एनिवर्सरी थी, लेकिन इस दुखद खबर से टीवी इंडस्ट्री में मातम पसरा है। ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल में गुलाबों का रोल निभाने वाली दिव्या भटनागर ने कई सीरियल्स में अपने अभिनय की छाप छोड़ी थी। बॉलीवुड और एंटरटेनमेंट की खबरों के लिए देखते रहिए ABP एंटरटेनमेंट।